अब हम आपको 2021 की डीएनए की पांच सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स की झलक दिखाएंगे, इंटरव्यूज दिखाएंगे जिन्होंने इस साल खबरों का एजेंडा सेट करने का काम किया, और आपको इस बात का आश्वासन भी देंगे कि 2022 में भी हमारा ये काम जारी रहेगा। हम 2022 में भी आपको एक डिफरेंशिएटर कंटेंट दिखाएंगे, आपको अलग तरह की खबरें दिखाएंगे जिससे आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा और देश में भी बदलाव आएगा। और आज आप झलक देखिए कि हमने 2021 में आपके लिए कौन कौन सी ऐसी रिपोर्टिंग की जो बाकियों से बिल्कुल अलग थी। अब हम एवरेस्ट का जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप उसके ठीक ऊपर है, बेस कैंप के बहुत करीब अब हम लैंड करने वाले हैं, और यहाँ हम लैंड कर रहे हैं। तो आप समझिए ये एक सपना पूरा होने जैसा है। मेरे ठीक सामने एवरेस्ट है। आप देखिए कितने करीब हैं हम एवरेस्ट से। बर्फ ही बर्फ है, बर्फीली चोटियां हैं, और शायद हम दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर इस समय जहां इंसान पहुंच सकता है हम वहां पर खड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति है। राधानाथ सिकदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था 1852 में। आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर होना चाहिए था। लाल किला हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। आज मैं आपको इस लाल किले की यात्रा पर लेकर जाऊंगा। लाल किले की कहानी आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए आज हम यहां पर आए हैं। इस बोर्ड को देखिए, जब आप इस बोर्ड को देखेंगे तो आपको प्रदर्शनकारी जो थे इनके मन में कितना गुस्सा था, कितना रोष था और ये क्या चाहते थे, ये बोर्ड देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ये रेलिंग इन्होंने यहां से उखाड़ी है पीछे, और उस रेलिंग को उखाड़ कर इन्होंने यहां फेंक दिया है। अब मैं आपको उस ऑफिस के अंदर ले आया हूं जिसको हम टिकट काउंटर बता रहे थे, और अब आप अंदर से देखिए कोई भी चीज उन्होंने छोड़ी नहीं है। ये पूरे जो ड्रॉवर्स थे, लकड़ी का सारा सामान था, सब उसको तोड़ दिया है, फर्नीचर को तोड़ दिया है। जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे तो आपको ये शीशों के टुकड़े देखिए यहाँ तोड़ फोड़ हुआ है। ये निशुल्क जल सेवा का एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ था, इसको भी उन्होंने तोड़ दिया है। मैं देख रहा था आपका कि बहुत समय तक आपके पास हॉकी की स्टिक नहीं थी, जूते नहीं थे। तो मतलब जब पहली बार जूता कब मिला आपको? 2013 में। 2013 में पहली बार जूता मिला? हाँ जी, इस टोटल जब मैं खेलने आई थी तब। उससे पहले जूता ही नहीं था? नहीं, ऐसे ही ऐसे पैर से खेल खाली पैर से खेलते थे। अब बोल सकती हो, और जो भी मन में भाव आ रहे हैं वो बताओ हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस चीज का दुख है, ये आंसू किस चीज के हैं बताओ आप। सब मिल गया। माइक पे बताओ क्या सपना था आपका। स्टार्टिंग में हमारा मतलब उतना पैसा नहीं था कि हमारे घर पहले दुकान से भी सामान खरीदने के लिए जाते तो उतना पैसा नहीं था, तो दुकानदार ने भी मतलब खाने का जो भी राशन लेने जाते वो देता भी नहीं था क्योंकि पैसा नहीं था उतना। हॉकी प्लेयर मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छी फैमिली से आता है, बिकॉज हमारी कंट्री में ऐसा लगता है अगर कोई गरीब है तो सोचता है चल हॉकी खेल लेते हैं क्योंकि शायद कुछ बन जाएंगे हॉकी में ना, तो यही रीज़न है क्योंकि सब। और जैसे टेनिस वगैरह है, बच्चों को कार में छोड़ने जाते हैं, लेके आते हैं, यू नो बिस्लरी की बोतल उनके हाथ में होती है। इवन हमारे तो हॉकी प्लेयर्स मतलब गंदा पानी कहीं से मिल रहा है वही पी के चल रहे हैं मतलब। Do you think you had become the poster boy that time? Or jo bhi ho raha tha? No, I did not become the poster boy. I became the punching bag. And you know why I became the punching bag? Why? Because I am from Northeast. Acha? Yes, sir. Did you ever feel this kind of... No, I am feeling now. I didn't feel then. I am feeling now. Acha? Yes. It's a big thing what yes, you are saying. Yes, I have said it to you. I have not become the poster boy.
poster boys are not cannot come from the northeast. Punching bags. I'm a punching bag of the judiciary. आपको ऐसा क्यों लगा? On what basis you are making this allegation? Yeah, Gogoi, all the time. Ayodhya judgment, 5 judges ने लिखा. Gogoi judge. Gogoi को फायदा हुआ. Gogoi ने government को help किया. Rafael ने unanimous judgment by 3. Gogoi ने किया. क्यों? Why? What is the logic? Tell me, what is the logic? Except that you want a punching bag, and what a easier punching bag than one which cannot give back. ये सवाल CJI से नहीं, रंजन गोगोई से है. क्या सुप्रीम कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है? क्या सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन है? इस सवाल का जवाब मैं इस ढंग से दूंगा. करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी. करप्शन हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ. Or judges don't drop from heaven. इतने बड़े भवन में आपका अपना निजी सामान कितना होगा यहाँ पर? देखिए, मेरा कोई सामान निजी नहीं होता है. मेरा निजी सामान केवल इतना ही है जो मैंने पहना हुआ है, बाकी मेरा कुछ भी निजी नहीं है. तो पैक करके अगर जाना भी पड़ा तो कुछ ही घंटे में जा सकते हैं आप? देखिए, हम लोगों को पैकिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है जी, और ना हम लोगों को आने की खुशी होती है ना जाने का गम होता है. लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 2017 से अच्छी विजय 2022 में भारतीय जनता पार्टी की यूपी में होगी. मतलब आपकी पैकिंग नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की पैकिंग होगी? देखिए, उनकी पैकिंग पहले से हो चुकी है, इसलिए उनको भी पैकिंग करने की आवश्यकता नहीं है. जहाँ हैं वहाँ रहेंगे. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.